उधर वाराणसी के जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले कथित शिवलिंग के कारण डेटिंग पर फैसला टाल दिया है। अब इस मामले में कोर्ट 11 अक्टूबर को फैसला सुनाएगी। ज्ञानवापी सर्वे के दौरान वजूखाने में शिवलिंग की तरह की आकृति मिली थी, जिसके हिंदू पक्ष ने विश्वेश्वर शिवलिंग होने का दावा किया था। कोर्ट की कार्रवाई से पहले भारी पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई थी। अब इस दौरान कोर्ट में दोनों पक्ष के लोग मौजूद थे। हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में चारों वाली महिलाएं और उनके वकील विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन कोर्ट में पहुंचे थे। इसके अलावा सरकारी वकील महेंद्र प्रसाद पांडे भी जिला जज के न्यायालय में मौजूद थे। तो अगली तारीख जो है वो 11 अक्टूबर की मुकर्रर की गई है। ज्ञानवापी कार्बन डेटिंग पर जो फैसला सुनाया जा रहा था उसे फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। अगली तारीख 11 अक्टूबर की तय कर दी गई है। तो कार्बन डेटिंग मामले में फैसला होना था, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में कोर्ट ने सीधे तौर पर जो फैसला उसे टाल दिया है। 11 तारीख को अगली सुनवाई होगी। आज स्पष्ट सुनवाई हुआ है कार्बन डेटिंग के लिए कि वैज्ञानिक विधि द्वारा ही कार्बन डेटिंग होगा। और बस चल ही रहा था कि विपक्ष लोग बोले हैं कि अभी हम लोग फैसला सुनने आए थे, हम लोग अपना फाइल लेके नहीं है, ऐसा अगली तारीख हम लोग को दिया जाए। तो 11 तारीख हम लोग को दिया गया। जो कार्बन डेटिंग के कर रहे हैं लोग प्रार्थना पत्र, हमारी प्रार्थना पत्र 250 गज जो थी वह कार्बन डेटिंग या वैज्ञानिक तरीके से जाँच अन्य प्रकार से जिसे हो सके बिना शिवलिंग को क्षति पहुँचाए वह जाँच करने का प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिस पर विपक्षी का आपत्ति आया था। विपक्षी ने अपनी आपत्ति के पैरा 4 में स्पष्ट कहा है कि 16/5/22 को जो प्राप्त हुआ है, जिसको 12 है, अंबादी लोग शिवलिंग कह रहे हैं, यह स्पष्ट नहीं है, इसलिए पूजा का अधिकार नहीं दिया सकता है। यही शब्द को उन्होंने पैरा 8 में भी रिपीट किया है। तो बिना जांच का स्पष्ट हो नहीं पाएगा। ये कोर्ट चले, जज साहब चले और एक्सपर्ट चले, वहाँ पे देखे, उसको थोड़ा सा तोड़िए, ऊपर देखिए वो पत्थर है कि उसमें बड़ी चूने का प्लास्टर है। अब बड़ी चूने का इतना सा भी 1 इंच भी आप तोड़िएगा तो बड़ी चूना निकल आएगा। और बड़ी चूना अगर निकल गया, पत्थर नहीं है, क्या करेंगे आप ये बताइए हमें। तो आप यही दलील, ईंट पत्थर से बना हुआ चीज है, आप ईंट पत्थर क्यों नहीं देखते, उसको देखने में आपको डर क्यों लगती है? आप वही दलील देने जा रहे हैं? हम यही दलील देते हैं, ईंट पत्थर का बना हुआ ईंट पत्थर देखने में डर क्यों लगती है? आज जब माननीय न्यायालय बैठा था तो हम सबको, ये मुस्लिम पक्ष को भी पता था, हमें भी पता था कि इस केस में माननीय न्यायालय आज अपना ऑर्डर सुनाएगा, आदेश सुनाएगा। पर माननीय न्यायालय ने हमसे कुछ क्लैरिफिकेशन मांगा था इस मुद्दे पे कि क्या ये जो शिवलिंग जो मिला है वो पार्ट ऑफ सूट प्रॉपर्टी है कि नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, क्या कार्बन डेटिंग और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो सकता है कि नहीं, इस मुद्दे पे हमने अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया है। मुस्लिम पक्ष को सुनने के बाद 11 अक्टूबर के बाद माननीय